इसी बीच भोपाल से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी भोपाल से आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी भोपाल से, सरकारी आवासों के लिए अब वैक्सीनेशन अनिवार्य कर दिया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें, दोनों डोज लगने के बाद हितग्राही भर सकेंगे फॉर्म। तो बड़ी जानकारी, नगरीय विकास विभाग का ये बड़ा फैसला लिया गया है। अहम जानकारी आपको बता दें, सरकारी आवासों के लिए अब वैक्सीनेशन अनिवार्य कर दिया गया है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें, जहां पर सरकारी आवास के लिए वैक्सीनेशन अनिवार्य कर दिया गया है, वैक्सीनेट होने के बाद ही, दोनों डोज लेने के बाद ही आप फॉर्म भर सकते हैं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की, सरकारी आवासों के लिए अब वैक्सीनेशन जरूरी, दोनों डोज लगने के बाद हितग्राही जो है फॉर्म भर सकते हैं सरकारी आवास के लिए। नगरीय विकास विभाग का बड़ा फैसला, बड़ी जानकारी आपको बता दे, जहां पर सरकारी आवासों के लिए अब वैक्सीनेशन अनिवार्य कर दिया गया है। तो अहम जानकारी आपको बता दे, बड़ी और अहम जानकारी यहाँ पर भोपाल से इस वक्त की बड़ी जानकारी, सरकारी आवास को लेकर वैक्सीनेशन को अनिवार्य कर दिया गया है। वही ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कुलभूषण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलभूषण, क्या कुछ पूरी जानकारी, क्योंकि अब अगर फॉर्म भरना है सरकारी आवास के लिए तो वैक्सीनेट होना बेहद ही जरूरी है, पूरी जानकारी दे। बिल्कुल, कल जिस प्रकार से देखा गया था कि अब अलग अलग विभाग जो है वैक्सीनेशन को लेकर जागरूक होता हुआ नजर आ रहा है, और ऐसी स्थिति में वो अपने सभी कर्मचारियों को वैक्सीन लगवाने के लिए एक प्रकार से जागरूक कर रहा है। कल भी ये देखा गया था कि गन लाइसेंस के लिए जो है जिला प्रशासन ने जो भी गन लाइसेंस के लिए रिन्यूअल का फॉर्म अगर भरेंगे कलेक्टर कार्यालय में, वो अपना आवेदन लगाएंगे, तो उनको उसके साथ जो है वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। और अब सरकारी कर्मचारी जो कि अपने निवास के लिए अगर अप्लाई करेंगे विभाग में, तो उनको भी जो है सबसे पहले वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट अपने विभाग में सबमिट करना होगा। तो कह सकते हैं कि मध्यप्रदेश की सरकार जिस प्रकार से वैक्सीनेशन को लेकर महाअभियान चला रही है, और कल भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह कहा था कि 26 जुलाई तक जो है मध्यप्रदेश में 25 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन के फर्स्ट और सेकेंड डोज लग चुके हैं। तो कह सकते हैं कि एक मध्यप्रदेश के लिए खुशखबरी भी है, क्योंकि जहां अन्य राज्यों की अपेक्षा ये देखा जा रहा है कि मध्यप्रदेश में लोग जागरूक भी हो रहे हैं, वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, वैक्सीनेशन सेंटरों में जो है एक प्रकार से जन सैलाब जो है उमड़ता हुआ नजर आ रहा है, और ऐसी स्थिति में वैक्सीन की कमी जहां अन्य राज्यों में देखी जा रही है, मध्यप्रदेश में ऐसी स्थिति देखी नहीं जा रही है और लोग भी जागरूक होते हुए नजर आ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि मध्यप्रदेश की सरकार जिस प्रकार से वैक्सीनेशन को लेकर महाअभियान चला रही है, इसको लेकर जन जागरूक अभियान चलाया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह देखा जा रहा है कि खुद जो एनजीओ है, तमाम जो संगठन है, बीजेपी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, स्वास्थ्य विभाग की टीम है, और नुक्कड़ नाटक के जो कलाकार हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे अपना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, और एक प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र आदिवासी लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि अगर आपको इस महाबीमारी से बचना है तो आपको वैक्सीन लगवाना बेहद जरूरी है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।